नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम ममसाहोत्रहे। आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उमर भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। अपने प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं उस बीमारी की जिसको हमारे भारतवर्ष में या देहात की भाषा में कनफीड का रोग बोलते हैं, यानी कान के नीचे अगर गर्दन तक सूजन आ जाती है, जो मुंह की तरफ आती है और टाइट होती है, लाल रंग की हो जाता है, उसको कनफीड बोलते हैं। यानी कान के नीचे जबड़े में सूजन और लालिमा का होना ही कनफीड रोग का लक्षण है। एलोपैथी में तो आपको सिर्फ एनाल्जेसिक दवाएं दी जाएंगी, लेकिन इसकी मंत्र चिकित्सा बहुत ही प्रसिद्ध है भारतवर्ष के अंदर। खासकर देहात के अंदर कनफीड रोग को घड़े बनाने वाले कुंभकार, जिसको कुम्हार कहते हैं, उनके पास इस मंत्र चिकित्सा का बहुत अच्छा इलाज है। वो आपको मंत्रों के द्वारा 3 बार या पहली बार में ही कई बार तो कनफीड पूरा रूप से ठीक हो जाता है, पीड़ा दूर हो जाती है, जलन दूर हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि इस रोग को कारण क्या है, क्यों होता है, क्योंकि जब आप अपने कान की सफाई नहीं करते, या कई बार हम तालाब में नदी में नहाते हैं तो पानी कान में चला जाता है, कई बार फसलों के समय में कान में कोई गेहूं का टुकड़ा चला जाता है, उस कान के इन्फेक्शन के कारण कनफीड का रोग बनता है। आपको कान साफ रखने चाहिए। आप धूल मिट्टी में जाते हैं, खेत खलिहान में जाते हैं, अक्सर उन्हीं बच्चों में ये पैदा होता है। साफ और स्वच्छ एरिया में नहीं बनता, तो वहाँ महीने में एक बार अपने कान में आप सरसों का तेल अवश्य डालिए। सरसों के तेल को गर्म करके सुख दर्शन एक पेड़ होता है, जिसके लंबे लंबे पत्ते होते हैं, हरे हरे, सुदर्शन भी कहते हैं, उस पत्ते में सरसों के तेल में वो पत्ता डाल करके उसको गर्म कीजिए, लाल कर लीजिए। जब वो पत्ता काला पड़ जाए, उस तेल को छान लीजिए और उस तेल को कान में डालने से कनफीड का रोग दूर हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है ये वात और पित्त की अधिकता है, वहाँ अगर आप पंचकर्म करा लेते हैं तो उससे भी बहुत लाभ प्राप्त होता है, या फिर पित्त को हरण करने के लिए आप कोई भी विरेचक औषधि जैसे पंचसकार चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बादाम का तेल दूध में डाल करके प्रयोग कर लीजिए, या कास्टर ऑयल दूध में डाल करके उसका प्रयोग कर लीजिए, और विहित वात चिंतामणि रस, वात कुलांतक रस, इन दोनों का प्रयोग कर लीजिए, साथ में महायोग राज गूगल ले लीजिए। इससे आपका कनफीड रोग दूर हो जाता है और दोबारा नहीं बनता, ये एक बार ही बनता, बार बार नहीं बनता ये रोग। और हमारे यहाँ तो इसकी बहुत ही अच्छी चिकित्सा है, हम इसके लिए एक लेप लगाते हैं, वो लेप लगाइए तुरंत आपका दूर हो जाएगा। नहीं तो जो बाम्बी होती ना, बाम्बी अक्सर घरों में जो कोना होता है, उस कोने में एक मिट्टी अपना घर बना लेती है, सफ़ेद सफ़ेद सा घर सा जालीदार होता है, उसमें सुराख से होते हैं, उसको बाम्बी बोलते हैं। उसकी मिट्टी का लेप अगर यहाँ कर दिया जाए तो वह भी इस रोग को बहुत जल्दी ठीक कर देता है, दर्द और पीड़ा का शमन कर देता है। नहीं तो दूध में इसबगोल का छिलका डाल करके उबाल लीजिए, उसकी लेही सी बन जाएगी, उस लेही का लेप करने से भी आपका कनफीड का रोग दूर हो जाएगा। और इस तरह के इलाज आपको पता नहीं है या अंग्रेजी डॉक्टरों के इलाज करके आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो एक बार हमारे औषधालय में आइए, आप सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। निभाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।